देशभक्ति का मतलब होता है जैसे वो भक्ति में जो शक्ति होता है, मतलब हम जो करते हैं वो देश के लिए, मतलब अबे बड़ू आ रहा है, रुक जा। हाँ भाई बोल, क्या बोल रहे था तू भाई? देशभक्ति बोलेगा तो अपन के लिए, अपने देश के लिए बहुत प्यार है, ठीक है? और कोई भी अपने देश को कुछ बोलता है तो इतना गाली देता है अपन की गाली दे दे के जान मार डालता है। बोले तो गोली का जरूरत ही नहीं है। देशभक्ति मतलब वही देश के लिए भक्ति है, दिल में थोड़ा प्यार है, और इसी को कहते हैं हम, और क्या बोल सकते हैं। ये ब्रो टॉकिंग टू मी? या टेल मी, देशभक्ति का मतलब हमारे लिए तो यही है कि दूसरों की मदद करें, अपने देशवासियों की सहायता करें और देश के लिए कुछ ऐसा करें जिससे उसका नाम हो। अगर कुछ ना भी कर सकूं तो किसी को मोटिवेट कर सकूं और कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित कर सकूं, मेरे लिए तो देशभक्ति यही है। वो देशभक्ति का मतलब होता है जैसे वो भक्ति में जो शक्ति होता है, मतलब जो करते हैं वो देश के लिए, मतलब आर्मी में जा सकता है, ऐसा क्या बड़ा बात है? हेल्थ अच्छा है, बॉडी वीडी सही है, जा सकता है, बट अपन को कौन लेगा? अपन तो पंडर आदमी है, थोड़ा सा ऐसा बोलता है तो कोई लेगा नहीं। वरना मैं चाहता था, मैं लड़ने को डरता नहीं, मैं बहुत लफड़ा किया यहाँ पे, बहुत झगड़ा किया मैं, तो मैं थोड़ा वैसा आदमी भी है तो मैं लड़ लेगा, कोई बड़ा आदमी है, मेरे देश को कोई कुछ बोलेगा मैं जान से मार डालेगा उसको। हम नहीं, हम क्या करेंगे जाके आर्मी? अरे हमसे कलछी नहीं पकड़े जाता है, हम गोली कैसे चलाएंगे? वो जो लोग कर रहा है वो लोग का अलग बात है, वो लोग करे, दुआ है हमारा। ब्रो मैं और आर्मी में कैसे जाएगा, मैं कैसे जा सकता है? मैं पबजी खेलता हूँ, मैं पबजी में बहुत गोली मारता है, लेकिन रियल में गोली मारने को मेरे को डर लगता है, मैं कैसे जाएगा। हाँ बिल्कुल, हम जाना चाहते भी थे और हमने ट्राई भी किया था, हमारे फादर भी आर्मी में ही थे, लेकिन आज भी जब भी किसी आर्मी वाले को देखते हैं तो बहुत ही अच्छा और गर्व महसूस करते हैं कि इन लोगों की वजह से हम सेफ हैं आज। और क्या नहीं, वैसा कोई मदद करने का थोड़ा चांस नहीं मिला, लेकिन ऐसे दिल में बहुत प्यार है मेरे, मैं बहुत इंडियन है, मैं पूरा इंडियन है और दिल में प्यार है, मैं मदद किया नहीं उतना, लेकिन मैं करेगा, ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है। देखने का लोग देश के लिए कर सकते हैं, मतलब खाना वाना बना सकते हैं लोगों के लिए, तो और क्या करेंगे? अब चाहते हैं कि बॉर्डर पर खड़े हो जाए, नहीं आता है ना उनको। किया बहुत कुछ किया ब्रो, मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं हॉकर्स से सब्जियाँ खरीदता हूँ, मैं कभी मॉल्स वगैरह या स्टोर्स वगैरह में नहीं जाता हूँ। आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन मैन। ज्यादा कुछ नहीं कर पाए हैं लेकिन जरूर करना चाहेंगे एक दिन। सारे देशवासियों को भी प्रेरित करेंगे कि कुछ अच्छा ही करें वो लोग जिंदगी में। मालूम है मेरे को, वो कश्मीर में लफड़ा वाला था, अभी बहुत पंगा चल रहा है, अपने बच्चे लोग जा रहे हैं उधर पे, बहुत कुछ तबलीग हो रहा है उन लोग को, और मैं तेरे को बोलता है कल, अभी तू रुक, तो मैं बोलेगा तेरे को, हंस मत, तू हंस क्या कर रहा है, मजाक कर रहा है इधर, गर्लफ्रेंड में तेरी? उतना नहीं पता हमको, इतना बड़का बड़का बात पूछेगा तो कैसे बोलेंगे? हाँ तू क्या होता है जी? नहीं हमको तो नहीं मालूम, नहीं पता नहीं कहाँ बोल रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं, नहीं है हमको नहीं पता है। Bro, it depends, you know, what you're talking about. मतलब जैसे कि कश्मीर में जो भी हो रहा है, you know, it's not good, should not happen. 370 होता है कि Bro, I'll tell you later. मैं ऐसे Google में भी check करके बताऊंगा तुमको, मैं इतना up to date हूँ नहीं, मैं PUBG में थोड़ा busy था, तो मैं sorry bro, sorry. जी बिल्कुल, हमें पता है Article 370 जब कश्मीर इंडिया में शामिल हुआ था तब एक पैक्ट बना गया था कि कश्मीर में बहुत सारी चीजें, और हम लोग वहाँ ज़मीन नहीं खरीद सकते, वहाँ बिजनेस नहीं कर सकते, कई उनके जो राइट्स हैं वो इंडियंस को नहीं थे, और जो इंडियंस के हैं वो वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होते थे। मैं यही बोलना चाहिए कि सब मस्ती से रहो, टेंशन मत लो, देशवासी हो, एक दूसरे के साथ रहो और भाईचारे से रहो, और टेंशन मत ही लो, सब बिन्दास है। ए चाय ला के रे।
बस यही कहेंगे कि धर्म और जाति के आधार पर मत बांटा कीजिए, हम भारतीय हैं सबसे पहले, और तो इससे ऊपर मुझे नहीं लगता कि किसी को कुछ सोचना चाहिए। यही बोलना चाहूंगा कि सब मस्त से रहो, कोई दिक्कत नहीं, सब बिंदास है, सब कुछ ठीक है, क्या दिक्कत है? अच्छा है, बिल्कुल, देश हमारा बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा संस्कृति है हमारे देश में। अब उनका तो भैया हमको नहीं पता, पर हमारे देश में बहुत कुछ है, तो हमको बहुत अच्छा लगता है जो संस्कृति है, जो मान मर्यादा है। वो आजकल थोड़ा सा जब से टिकटॉक आया है बहुत खराब कर दिया है, बट उसके पहले बहुत अच्छा था, मतलब सब ठीक था। मेरे देश की बेस्ट बात तो ये है कि यहाँ सब कुछ मिलता है, जो भी आपको चाहिए, मतलब कुछ भी। पूरा बाबू को फॉलो करता है, मतलब इतना गांधीगिरी में मेरा, मतलब वही गांधीवादी में है, और इधर कोई मारता है तो मैं ये गाल दिखाता है, पर ये गाल में अगर कोई मारता है तो मैं फूट डालता है पूरा। कहे कि बापू ने बताया नहीं इसके बाद क्या करना है ना। हमको हमारे देश से बहुत प्यार है।